हर दिन के अनुसार बजरंग बली को कौन सा भोग लगाने से दूर होगा आपका हर संकट और पूरी होगी सभी मनोकामना। आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। ओम हंग हनुमताय नमः। सोमवार को हनुमान जी को हलवा का भोग लगाना चाहिए, मंगलवार को बजरंग बली को काले चने भिगो करके गुड़ के साथ उसका भोग लगाना चाहिए, इससे मंगल ग्रह जनित दोषों का निवारण होता है। बुधवार को हनुमान जी को पंचमेवा का दिव्य भोग लगाना चाहिए और गुरुवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार को हनुमान जी को केसर भात का भोग लगाना चाहिए, इससे भी मंगल ग्रह की शांति होती है और हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार को हनुमान जी को इमरती का भोग लगाना चाहिए, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। रविवार को हनुमान जी को डंठल वाला पान, सब कुछ चढ़ाने के बाद बूंदी के लड्डू चढ़ाने के बाद डंठल वाला पान चढ़ाना चाहिए, इससे सभी जोखिम भरे कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर इस तरह से 7 दिन में 7 भोग आप हनुमान जी के लिए तैयार करते हैं और हनुमान जी को ये भोग आप लगाते हैं तो आप विश्वास मानिए, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावें। आप चाहे जितनी बड़ी विपत्ति में पड़े होंगे लेकिन अगर इस तरह का प्रसाद आपने हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दिया तो मुझे पूरा विश्वास है 40 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, आपके कष्टों का निवारण जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने एक अनुभव किया है कि अगर किसी को बंधन योग है, कोई बंधन में पड़ा हुआ है या कोई जेल में पड़ा हुआ है और बेवजह पड़ा हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन कानून की व्यवस्था के कारण उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो अगर ये उपाय किया जाए तो 40 दिनों के अंदर बंधन समाप्त होता है और न्याय मिलती है। ये आजमाया हुआ है, कलयुग में हनुमान जी का ये चमत्कार आजमाया हुआ है। जो लोग इस उपाय को करेंगे निसंदेह वो चमत्कार का अनुभव करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी।